मैं क्रांतिक कैंप बना रहा, तो मीट हुआ, उसकी नेगोशिएशन की, उसके अलावा हमारे यहाँ कस्करी एंड नाइन डॉटर सिनेरियो के बारे में मीटिंग होगी। अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, आज ही पर मीटिंग में और पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर मिलेंगे और डोडा किश्तवा रामबन रेंज की सुरक्षा सिक्योरिटी की दृष्टि से क्या हालात हैं उनका पता लेंगे, और जान के हालात जैसे पहले से बहुत अच्छे बेहतर हुए हैं उनको और बेहतर किया जाए उसके लिए योजना बनाएंगे। आने वाले टाइम के बड़ी इवेंट्स हैं, यात्रा आने वाली है, उसकी दृष्टि से जहाँ पर यात्रियों के लॉजमेंट के क्या अरेंजमेंट होंगे, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम होंगे, उसके बारे में चर्चा करें। देखिए दोनों तरफ फोर्सेस पुलिस बहुत मेहनत से काम कर रही है, कोशिश यही होती है कि कोई भी अमन का दुश्मन तशद्दुद को सपोर्ट करने वाला ग्रुप जो पाकिस्तान से जहाँ पर आता है, जिसकी वजह से अमन अमान को खतरा पैदा होता है, लोगों की जान माल को खतरा पैदा होता है, उस खतरे को दूर किया जाए। उसी के सिलसिले में ऑपरेशंस बराबर कश्मीर और जम्मू के खितों में होते हैं। जम्मू में बहुत सारी कामयाब ऑपरेशन हुए हैं। आपको याद होगा जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का बजट था, तब दो दहशतगर्द जो फदाइन के माफिक आए थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया। उससे पहले आपको याद होगा नगरोटा पे दो बार फदाइन जो जम्मू से कश्मीर की तरफ आ रहे थे, नगरोटा बन टोल प्लाजा के बगल में दो ऑपरेशन कामयाब हुए। उसके बाद आपको याद होगा जो आईडी का ब्लास्ट हुआ, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनको पकड़ा गया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। कटरा के जो बस की घटना हुई थी जिसमें यात्री कुछ मर गए थे, उसके अलावा आईडी के कुछ ब्लास्ट हुए थे रजौरी पुंछ के खेते में, जम्मू के पूरा ग्रोह जो है उनको निकाला गया। पाकिस्तान से बहुत बड़ी साजिशें जो ड्रोन के जरिए ड्रग्स की और वेपन्स की तस्करी की होती हैं, जम्मू पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मिलकर के बहुत सारे ऐसे केसेस को न सिर्फ एक्सपोज किया, सख्त कानूनी कार्रवाई करी, बल्कि उनमें जो ग्रोह शामिल थे इस तरफ और पाकिस्तान की तरफ से उनको भी एक्सपोज किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो बहुत सारे कामयाब ऑपरेशन दोनों खितों में हुए हैं। रजौरी पुंछ का आपने जिक्र किया, उस एरिया में जरूर एक दो बार ऑपरेशन कुछ ऐसे हुए जिसमें फोर्सेस का नुकसान हुआ। दोनों खितों की अलग खसूसियत है, टेरेन अलग तरह का है, LC बिल्कुल करीब है, और इसके चलते जब कभी भी इन्फिल्ट्रेशन हुई, जब कोई ग्रुप कुछ अर्सा जहाँ पर रुका, इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की गई जिसमें उनको कामयाबी मिली और फोर्सों को कहीं नुकसान हुआ। मगर इसके साथ ही अगर देखें तो रजौरी पुंछ में बड़े कामयाब ऑपरेशन भी हुए हैं, कम से कम आधा दर्जन से ऐसे ऑपरेशन पिछले कुछ अर्से के अंदर, जहाँ या तो इन्फिल्ट्रेट करते हुए लोग मारे गए जो दहशतगर्द पार से आ रहे थे, या फिर बड़ी तस्करी की साजिश जो वेपन वहाँ से ला रहे थे या ड्रग्स लेके आ रहे थे, उसके ग्रोह को मारा भी गया और सामान भी पकड़ा गया। उसके अलावा जो दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट आप करके आ गए थे उनके साथ मुठभेड़ में दहशतगर्दों को जो 3-4 ऑपरेशन के अंदर मारा गया। इसके साथ अभी जो दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है, इस पर अभी ये कहना मुश्किल है कि ये ताज़ा ग्रुप है या पुराना ग्रुप है, मगर ये कहना सर्टन है कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी ग्रुप जो है, दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो सरहद पार से इस तरफ आते हैं, वेपन हथियार लेकर के आते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए आते हैं, और उनके खात्मे के लिए, निशानदेही के लिए फोर्सेज और पुलिस मिलकर काम कर रही हैं। बहुत जगह पे उनकी निशानदेही भी हुई और खात्मा भी हुआ, और जो इस तरह के बचे खुचे ग्रुप जिन्होंने हाल ही की कार्रवाइयों को अंजाम दिया है, जल्द ही उनका भी खात्मा किया जाए। कि G20 एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ जम्मू कश्मीर में जो बदलते हालात, जो अमन अमान का माहौल, जो तरक्याती काम इस वक्त हुए, जो आप बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के, सड़कों के, पुलों के, फ्लाईओवर्स के काम देख रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ के काम देख रहे हैं, वो हालात जिसमें अंदर बंद काल जिसको कहते थे और स्कूल दिनों महीनों बंद रहते थे, कारोबार दिनों महीनों बंद रहते थे, वो कल की बात हुई। ये सारी चीज़ें जो बदलाव का फ़ायदा आज आवाम को हुआ है, हमारे बच्चों को फ़ायदा हुआ है, ये कार्रवाई उसी जीवन में है कि टूरिज़्म को और ज़्यादा फ्लो कैसे दिया जाए, टूरिज़्म को
इंटरनेशनल सतह पे और कैसे प्रमोट किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर कश्मीर में जम्मू में आए, और जो इस वक्त जो बेहतर हो रहे हमारे जो इकोनॉमिक हालात हैं, जो लोगों की रोजी रोटी के साधन हैं उनको और बेहतर किया जाए, ये उसी कड़ी में एक उपराला है। मुझे लगता है कि इसके सारे इंतजाम लगभग तय हो चुके हैं और ये अच्छे से इवेंट होगी और ये इवेंट आने वाले टाइम में लोगों को और ज़्यादा फायदा हो सके।